मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है जहाँ मनोविकार मानसिक बीमारी और शराब की व्यस्ती जो लोग हैं और बाकी भी व्यसन जो लोग हैं व्यस्ती जो लोग हैं उनको हम भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। एक हॉस्पिटल है जहाँ हम लोगों को रिश्तेदारों के समेत भर्ती करते हैं, साथ में भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार लोगों को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। मैं आपके सामने आज केस स्टडी लेके आ रहा हूँ। एक माँ ने अपने बच्ची को मेरे पास में लाया, बच्ची 17 साल की है और अभी 12th में पढ़ाई कर रही है। माँ उसकी कहीं सर्विस कर रही है कोई प्राइवेट में, पिताजी का एक शॉप है रेडीमेड कपड़ों का, वहाँ मतलब बेचते रेडीमेड कपड़े, और एक ही लड़की है। इसलिए उसको लाया है कि अभी कुछ दिन के बाद में है उसकी 12th की एग्जाम और उसका मन लगने रहा पढ़ाई में, बस हार्डली 11 घंटा पढ़ाई करती है और बाकी फिर बोलती मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा है, फिर कुछ तो भी टीवी देखेंगी, फिर कुछ तो भी टाइम पास करेंगी। बोले कब से हो रहा थी, बोले 1 साल से तो ऐसे ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रही। फिर जब उसके साथ में मैंने बातचीत किया तो मुझे ये पता चला कि भाई इसका गोल ही पक्का नहीं, उसका उद्देश्य ही पक्का नहीं। उसको पूछा भाई आगे जाके तुमको करना क्या, बोले डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का है तो फिर अभी डॉक्टर बनने के लिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आपको देनी पड़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट, और वो कुछ 2-3 महीने बाद में आने वाली है और उसकी आपकी तैयारी नहीं है। इधर 12th की भी एग्जाम है कुछ दिन बाद में, उसकी आपकी तैयारी नहीं है, और बात तो बड़ी बड़ी कर रही है डॉक्टर बनने की। मैं डॉक्टर डोनेशन देके बनना है कि अच्छे कॉलेज में जाके कंपटीशन ना के उतरना है, डोनेशन तो हम दे ही सकते नहीं बोले, तो फिर तैयारी तो कुछ भी नहीं करे। फिर वो प्रॉब्लम है क्या, जब और जब उसका खुदाई किया डिगिंग किया तो मालूम पड़ा कि इसके गोल कोई पक्के नहीं है। इसको डॉक्टर इसलिए बनने का है तो वो किसने तो बोल दिया तो डॉक्टर बन जा अच्छा हो जाएगा, इसलिए बोले हाँ ठीक है मेरे को डॉक्टर होने का। एक्चुअली उसको डॉक्टर बनने की भूख नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए वो पूरा अपना 101% देने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं डॉक्टर बन जा, करके उसको डॉक्टर बनने का है। उसको पूछा कि सच्ची तेरे को डॉक्टर बनने का है सचमुच, नहीं बोले मुझे ऐसा पूछा गया सचमुच तो नहीं बोले। फिर तुमको करना क्या है, नहीं बोले डिसाइड नहीं किया। बोले भैया आप यदि अकोला के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे बोलेंगे हमको भारत दर्शन करना है तो एक टिकट दे दो, तो टिकट चेक काउंटर पे जो आदमी बैठा है पूछेगा टिकट कहाँ कहाँ आपको होना, तो आपको बोलना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है, कौन से गाँव का टिकट होना है। अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा बनने का है, अभी डिसाइड नहीं किया क्या करने का है, कुछ तो भी करने का है। जब आपका गोल पक्का नहीं है तो आपको पढ़ाई में ख्याल ही रहेगा नहीं, जाना का मालूम ही नहीं। तो काफ़ी सारा काउंसलिंग करने के बाद में उसका हुआ क्या कि उसको किसी ने भी बोल दिया कि तू डॉक्टर बन जाए इसलिए बन रही है, एक्चुअली बन में इच्छा नहीं हो रही है उसको डॉक्टर बनने की। फिर करना क्या है, तो मुझे ड्रेस डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है और वो मुझे करने की इच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, फिर वो करो। यदि आपको उसके बारे में आप पैशनेट है ड्रेस डिजाइनिंग के बारे में तो वो करो, नहीं वो लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे क्या कौन सा कोर्स लिया, डॉक्टर बने तो फिर अच्छा रहता है ना। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तो क्या तू डॉक्टर बनेगी नहीं क्योंकि तू पढ़ाई नहीं कर रही है। फिर बोलेंगे देखो मैंने मेरे को डॉक्टर बनने का था, पढ़ाई मैंने किया और मेरे को एडमिशन मिली नहीं, अब क्या करूं, और लोगों के लिए पढ़ाई करना है लोगों के लिए डॉक्टर बनना है वो होगा ही नहीं। तुमको यदि ड्रेस डिजाइनिंग का काम करना है तो वो हिसाब से आपका गोल पक्का करो, वहां से आपका जो भी तय करना होगा। वह क्या है कि लोग बोल रहे डॉक्टर बनो, इसके मन में है कि नहीं अपना तो इतनी इच्छा नहीं है, उसको उसको धीरे 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 डिप्रेशन आने लगा। और जब और मतलब जब क्वेश्चन आंसर्स किए तो एक साल भर से उसको एक डिप्रेशन का मतलब एक माइल्ड डिप्रेशन है उसको, ऐसा मालूम पड़ा उसको एक माइल्ड डिप्रेशन, कभी उदास रहती है, कभी सवेरे जल्दी उठने का नहीं है, फिर कभी सामने ऐसा कोई गोल पक्का नहीं है, कभी कभी एक आधी बार ऐसा नर्वसनेस आता है और बोलती कि अभी क्या पढ़ा है मैं तो पढ़ाई छोड़ देती हूँ, कभी भूख ही नहीं लगेंगी, तो ऐसा एक डिप्रेशन है कि जो ऐसा माइल्ड फॉर्म में रहता है। और एक उसको डिस्थाइमिया करके नाम है, क्योंकि डिस्थाइमिया जब बोलते हैं तो 2 साल का होना चाहिए, पर एक साल भर से उसको ऐसा चालू है।
माइल्ड टाइप ऑफ डिप्रेशन है उसको, उसके बारे में उसको काउंसिलिंग किया, उसको बोला कि तू देख तेरे को क्या करना है, यदि तुमको ड्रेस डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है ठीक है, अभी पहले ग्रेजुएशन करो, जहाँ जाना है मर्जी वहाँ करो, वो कोर्स वो कॉलेज जहाँ भी करना है आपको उसका भी तय करो, और ये डॉक्टर वगैरह ऐसा कुछ चक्कर नहीं कि डॉक्टरी बनना चाहिए करके, उसको काउंसिलिंग के लिए बुलाया। फिर काउंसिलिंग करने के बाद में उसको भी क्लियर हो गया मैंने अपने को एक्चुअली करना क्या है, उसको माइल्ड डोज दिया मैंने एंटी डिप्रेशन का, कि जो डिप्रेशन लिफ्ट करता है, लिफ्टिंग है ना करता है डिप्रेशन का, जैसा मैंने पहले मेरे कैसेट में बोला हुआ है कि डिप्रेशन जब होता है तो सेरोटोनिन डोपामिन ये जो लेवल्स है ना ये लेवल्स कम हो जाती है, तो मैंने भाई थोड़ा सा मैं डोज देता हूँ आपको, वो भी थोड़ा सा लो, उससे भी आपको अच्छा लगेगा और आप गोल्स पक्का करो। थोड़ा हिप्नोसिस का मैंने उसको सिखाया कि मैं हिप्नोसिस कैसे करना है, सेल्फ हिप्नोसिस, और पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे देना, खुद को पॉजिटिव सजेशन कैसे देना, विजुअलाइज कैसे करना, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दिया, और जब वो फॉलोअप का ही बहुत बड़ा फायदा उसको लगा। तो सर काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं कि जिनको माँ बाप प्रेशराइज करते हैं या बाहर के लोग प्रेशराइज करते हैं, उनकी इच्छा रहती नहीं है और धीरे 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 उनको डिप्रेशन आते जाता है। बच्चों को एकदम ये देखो कि उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या करने का है, और जब आप ये करेंगे तो डिप्रेशन आने का सवाल ही नहीं, उससे उल्टा मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे वो, जब वो उनके उनके पैशन का काम करेंगे। तो जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, आपके आजू बाजू के काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ऐसा प्रॉब्लम होगा, ताकि उनके जीवन में फर्क पड़ेगा। हमारा जो गोल है वो है कि व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, तो उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।